अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं 2016 क्वेश्चन नंबर 3 जनरल जनरल। इस सवाल में आपके पास लेजर गिवन है यूसुफ ट्रेडर्स का, कैश का है, बैंक का है, पेबल है, परचेज है, कैपिटल है, परचेज रिटर्न है, सैलरी एक्सपेंस है, सेल्स है। आपने क्या करना है, जब लेजर बनाएंगे तो आप डेट वाइज चलते हैं इसके अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं पहले नवंबर फर्स्ट डेट आ रही है, तो नवंबर फर्स्ट को देखें कैश हो रहा है 5 लाख से डेबिट। अब दूसरा देखें नवंबर फर्स्ट को क्रेडिट क्या सेट हो रही है, तो यार क्रेडिट हो रहा है कैपिटल 5 लाख से, तो हमने यहाँ कैश डेबिट किया। डेट डाली नवंबर फर्स्ट, कैश हुआ डेबिट और कैपिटल हुआ क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट बाय यूसुफ, ठीक है ना जी। यूसुफ की इन्वेस्टमेंट भी आ गई कितने से, 5 लाख से। तो अमाउंट भी साथ टैली करना होगा कि दोनों साइड अमाउंट सेम आ रहा है या नहीं। अमाउंट अलग होगा तो प्रॉब्लम होगी, अमाउंट सेम होना चाहिए। जो कि पहली एंट्री दूसरी एंट्री पे आते हैं, नवंबर फर्स्ट के बाद अगली डेट कौन सी आ रही है, तो हमें मिली डेट इसके बाद नवंबर 5 दिख रही है। और नवंबर 5 से पहले कोई डेट तो नहीं है, नहीं नवंबर 5 से पहले कोई डेट नहीं है, तो नवंबर 5 हमारी सेकंड डेट है, ठीक है जी। नवंबर 5 को क्या हो रहा है आपके पास, बैंक हो रहा है डेबिट और कैश हो रहा है क्रेडिट 3 लाख से, अमाउंट भी सेम है। तो एंट्री बनाएंगे नवंबर 5 को, क्या लिखेंगे नवंबर 5 को, नवंबर 5 बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, नरेशन टू रिकॉर्ड डिपॉजिटेड कैश इन टू बैंक कितने से, 3 लाख से। यहां लिखेंगे 3 लाख, ठीक है ना, 3 लाख से एंट्री बन गई कैश डेबिट, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। नंबर 5 का कौन सी डेट आ रही है, यहाँ में 15 दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 5 के बाद 8 भी दिख रही है, 8 से पहले कोई डेट नहीं है। अच्छा 8 का कब कब आ रही है, नंबर 8 से अकाउंट पेबल हो रहा है क्रेडिट 75,000 से, और नवंबर 8 में डेबिट, तो हमारे पास कुछ नहीं दिख रही है, परचेज डेबिट है 75 से और अकाउंट पेबल क्रेडिट है 75 से नवंबर 8 को। नवंबर 8 परचेजेस डेबिट और क्या क्रेडिट हो रहा था हमारे पास, अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा था, कि हमने अकाउंट पेबल क्रेडिट, नरेशन टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन अकाउंट कितना है, 75,000 जरा मैं सवाल चेक करूं, कोई सवाल, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। नवंबर 8 के बाद अगली डेट कौन सी हमारे पास, नवंबर 8 के बाद, नवंबर 8 के बाद है नेक्स्ट डेट हमारे पास 11। 11 में अकाउंट पेबल डेबिट है 5,000 से और 11 में क्रेडिट साइड क्या है, परचेज रिटर्न क्रेडिट है 5,000 से। नवंबर 11 अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, नरेशन टू रिकॉर्ड रिटर्न गुड्स टू सप्लायर कितना है, 5,000। 11 के बाद कौन सी डेट है मेरे पास, 11 के बाद है 15, 280 से कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट 280 से, नवंबर 15 कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, नरेशन टू रिकॉर्ड सोल्ड गुड्स फॉर कैश अमाउंट कितना है, 280,000, तो यहाँ लिखा 280,000। ये आ गया 15 के बाद, अगली डेट कौन सी है, नवंबर 15 के बाद है नवंबर 18 में कैश क्रेडिट हो रहा है 20,000 से और अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा है 20,000 से, डेट लिखिए नवंबर 18, ठीक है, अकाउंट पेबल हो रहा था डेबिट और कैश हो रहा है क्रेडिट, नरेशन टू रिकॉर्ड पेड कैश टू सप्लायर कितने से हो रहा है नवंबर 18 को, 20,000 से।
नंबर 18 के बाद कौन सी डेट है? नंबर 18 के बाद है आपके पास 20, 20 को बैंक हो रहा है क्रेडिट और परचेज हो रहा है डेबिट 25,000 से, नवंबर 20 परचेज डेबिट और बैंक क्रेडिट नरेशन टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स एंड इशू चेक। अमाउंट कितना है नवंबर 20 का? 25,000, तो 25,000 हमारा अमाउंट आ जाएगा। ट्वेंटी के बाद डेट कौन सी है? 29 दिख रही है, और कोई डेट है? नहीं, सिर्फ 29 लास्ट डेट है। 29 को सैलरी एक्सपेंस डेबिट है और बैंक क्रेडिट, नवंबर 29 सैलरी एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट नरेशन टू रिकॉर्ड पेड सैलरीज एंड इशू चेक। कितनी वैल्यू नंबर 29 की? 8,000, ठीक है जी। नंबर 29 की अमाउंट है 8,000 है और सारी एंट्रियां खत्म हो गई। यहाँ लिखा हमने अमाउंट 8,000। अच्छा बच्चों,